हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मालवनी चिकन करी। ये ऑथेंटिक मालवनी चिकन करी की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले एक मिक्सर जार में 3 से 4 हरी मिर्च ले, 20 से 25 लहसुन की कलियां, 4 इंच अदरक, 1 कटोरी धनिया ले और इसमें रोस्ट किया हुआ करी पत्ता 6 से 7 और थोड़ा स्वाद के लिए पुदीना के पत्ते डालें, ये ऑप्शनल रहेगा। इसमें 1/2 कप पानी मिलाकर इसका फाइन पेस्ट बना लें। 750 ग्राम या 1 किलो चिकन को हमने बारीक काट लिया है। इसमें अब 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मालवनी मसाला डालें। अगर आपके पास मालवनी मसाला नहीं है तो जो लाल मिर्च पाउडर होगा तो आप वो इस्तेमाल करें। ये मालवनी चिकन है तो इसमें हमने मालवनी मसाला डाला है। हरा पेस्ट डालें, 1/2 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाइए और इसे 30 से 40 मिनट तक मैरिनेशन के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें 1 बड़ा प्याज बारीक काटकर इसे रोस्ट करें, इसमें 1/2 इंच अदरक, 5 लहसुन की कलियां डालकर इसे सुनहरा रंग आने तक भून लें। प्याज को निकाल लें और इसमें 1 तेज पत्ता, 1/2 इंच दालचीनी, 1 चम्मच धनिया, 4 से 5 लौंग और काली मिर्च डालकर इसे भून लें। अब इसमें 1/2 चम्मच जायफल पाउडर डालकर इसे अच्छे से भूने महकाने तक। अब ये मसाला निकालकर इसमें 1 कप सूखा नारियल को सुनहरा रंग आने तक भून लें। आप इसमें 1/2 कप सूखा नारियल और 1/2 कप फ्रेश कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नारियल सुनहरा रंग का हो जाए, अब सारे मसाले को एक साथ मिलाकर इसमें 1/2 चम्मच खसखस डाल के इसे 1/2 मिनट के लिए भून लें। 1 चम्मच मालवनी मसाला डालें, 1/2 मिनट के लिए भून लें। अब ये मिश्रण को ठंडा करके इसमें 1/2 ग्लास पानी डालकर इसे बारीक पीस लें। एक बड़े बर्तन में 2 से 3 चम्मच तेल डालें, इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल डालें और 2 चम्मच घी डालकर इसे गरम करें। अब इसमें 2 तेज पत्ता, 1 चक्रफूल, 1/2 इंच दालचीनी, 6 से 7 लौंग डालकर इसे भून लें 1 मिनट के लिए। इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज को सुनहरा रंग आने तक भून लें। अब इसमें 1 चम्मच मालवनी मसाला डालकर इसे महकाने तक भून लें। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन डालकर मिला लें। और इसे 1 प्लेट से ढककर इस पे पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए पकाइए। अब ढक्कन को हटाकर इसमें जो चिकन है वो 1 प्लेट में निकाल ले और इसमें जो नारियल और मसाले का जो पेस्ट बना है वो इसमें डालकर इसे अच्छे से भूने। जब तक इसका ऑयल अलग ना हो तब तक इसे भूनना है। अगर आपने कम तेल इस्तेमाल किया है तो आप इसे 5 से 6 मिनट के लिए भून ले। मसाला को अच्छे से भूनने के बाद इसमें चिकन डालकर इसे मिला ले और इसे 1 प्लेट से ढककर इस पे पानी डालकर इसे 2 मिनट के लिए पकाइए। अब इसमें 2 ग्लास गर्म पानी डालकर इसे मिलाना है। अगर आप थिक ग्रेवी रखना चाहते हो तो इसमें पानी कम डालें या ग्रेवी बढ़ाने के लिए आप पानी का मात्रा बढ़ा सकते हो। इसमें आप नमक या मिर्ची कम है तो टेस्ट करके इसे मिला लें। जैसे ही ये चिकन पककर ग्रेवी रेडी होगा तो साइड से तेल छूटेगा। इस तरह से मालवनी चिकन रेडी है। आप इसे वड़े, भाकरी और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।